हे hey एवरीवन मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं आज के सेशन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं इससे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट वीडियो देख चुके हैं मैंने बना दिए थे आई होप आपने उनको देख लिया होगा साथ में मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी बना दिया है वो भी आई होप आपने देख लिया होगा अगर दोनों चीजें आपने देख ली है उसके बाद ही इस

जो कि है www.magnetbrains.com। तो ये हमारा सेशन है एमसीक्यू पे तो यहां पे फटाफट हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और ये रहा हमारे पास सबसे पहला सवाल यहां पे ऑलमोस्ट

哎呀，哈、啊！

भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और फोर्थ क्वार्डेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट इसीलिए कौन से ऑप्शन पे टिक लगाएंगे डी वाले ऑप्शन पे अपन टिक लगा देंगे चलो तो फोर्थ क्वेश्चन यहां पे होता है खत्म अब बारी है आपके फिफ्थ क्वेश्चन की फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट दिए गए हैं और अब पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट लाई कहां पर करते हैं तो इन दोनों पॉइंट में खास बात क्या है पहला पॉइंट है माइनस फोर अगला पॉइंट है सेवन कॉमन दोनों ही पॉइंट में है इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉइंट क्या दिए गए हैं जीरो दिए गए हैं मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है यानी कि वो पॉइंट लाई करता है कहां पे वो पॉइंट लाई करता है एक्स एक्सिस पे कब पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस पे तो जब उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो तो कौन से ऑप्शन में एक्स एक्सिस है ए वाला ऑप्शन इसीलिए हम किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे ए वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन होता है खत्म अब बारी आ जाती है आपके सिक्स्थ क्वेश्चन की द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट है उस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा ऑर्डिनेट समझते हो

ऐसा बना है और आपको बताना है कि जो y-अक्षेस होता है, इस पे किसी भी पॉइंट का कितना होता है तो एबसिसा मतलब हो गया उस पॉइंट का x-कोऑर्डिनेट और क्योंकि पॉइंट है y-अक्षेस पे, तो याद रखिएगा उस पॉइंट का एबसिसा क्या होगा जीरो होगा इसीलिए हम ऑप्शन ए पे यहां पर अगेन टेक लगा देंगे चलो सेवेंथ भी हो गया खत्म अब सेवेंथ के बाद अपन बात कर लेते हैं एट की ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन आपसे सवाल पूछा जाता है

में लाई करता है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिए चलिए तो नाइन्थ क्वेश्चन भी हो गया खत्म नाइन्थ के बाद बारी आ जाती है आपके सवाल नंबर टेन की सवाल नंबर टेन में बोला जाता है टू पॉइंट है कि आपके पास दो पॉइंट है जिनका एपसिसा क्या है सेम है लेकिन उनका ऑर्डिनेट क्या हो सकता है different हो सकता है है यानी कि उसका x -coordinate same होना चाहिए पर y -coordinate जो है, अलग अलग हो सकते हैं तो ऐसा कैसे आप पॉइंट निकाल सकते हो तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्स एक्सिस तो अगर एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस ये होती है तो एक्स एक्सिस पे जो होता है एपसिसा मतलब एक्स कॉर्डिनेट

ऑर्डिनेट यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स जो है अलग अलग आते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से बी सही बन रहा है पर इन दोनों में से भी अगर एक ऑप्शन है सही तो उसको आइडेंटिफाई अपन करेंगे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखो अगर अपन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं पहला बोल रहा है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अपन ने लाइन बना ली क्या इस लाइन जो अपन ने y एक्सिस के पैरेलल बनाई है इसके हर पॉइंट का एब्सिसा सेम है तो देखिएगा मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास टू तो मान लो ये पॉइंट ले लिया ना मैंने तो ये पॉइंट मान लो वन है तो ये टू कॉमा वन हो जाएगा अगर मैंने यहां पे ये पॉइंट थ्री ले लिया तो ये हो जाएगा टू कॉमा थ्री तो आप देख सकते हो अगर इस लाइन पे मैं कोई सा भी पॉइंट लूंगा तो उसका एब्सिसा जो है यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम आ रहा है पर वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट जो है वो अलग अलग आ रहा है आप नीचे भी जाओगे

पैरेलल टू वाई एक्सिस भी होगा चलिए तो टेंथ क्वेश्चन होता है यहां पे खत्म अब बारी आती है आपके इलेवेंथ क्वेश्चन की इलेवेंथ क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ़ द पॉइंट फ्रॉम रिप्रेजेंट करने की कुछ आपके पास ऐसा पॉइंट बनता है फोर कॉमा थ्री और इसकी परपेंडिकुलर दूरी पूछी गई है एक्स एक्सिस से कहां से पूछी गई है एक्स एक्सिस से तो अगर यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस को दिखाऊं ये

एक ऐसा पॉइंट ओरिजिन के अलावा जहां पे एब्सिसा जो है वो आपके ऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए क्या होना चाहिए भैया आपका एब्सिसा किसके इक्वल होना चाहिए आपके ऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए वो पॉइंट एक्चुअली लाई कहां पे करेगा देखो भैया वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा इसको पता लगाने का सबसे बेसिक तरीका ये है अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं उनका एब्सिसा ऑर्डिनेट सेम है तो दोनों के साइन भी इक्वल होने चाहिए ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट इक्वल हो जाएंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से काम बन जाएगा या तो दोनों को पॉजिटिव रहना पड़ेगा या तो दोनों को नेगेटिव रहना पड़ेगा अब ये कैसे पता लगाए कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कब तो साइन स्कीम पढ़ाया था मैंने कि यहां पे x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यहां हैं दोनों पॉजिटिव होते हैं कि दोनों इक्वल हो सकते हैं कब चांस इक्वल होने के जब दोनों का साइन इक्वल हो अब यहाँ पे चार क्वाड्रेंट्स हैं इन चारों क्वाड्रेंट्स में से वो कौन से क्वाड्रेंट है जहां पे साइन सेम है तो एक है आपके पास फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट एक है आपके पास थर्ड वाला क्वाड्रेंट ये फर्स्ट और थर्ड

क्वाड्रेंट 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 आर रेस्पेक्टिवली तो में में आप में आपसे और ऑर्डिनेट का साइन पूछ लिया अब देखो वापस से से अपन 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 याद नहीं करेंगे डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे ये positive, ये negative, ये positive, ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव को कौन से में चाहिए में. ये रहा बारी आ जाती है सवाल है एप्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस अगर आपने एक्स एक्सिस को ले लिया तो इस पॉइंट पे अगर कोई, सा भी, इस पे कोई सा भी लोगे, तो उसका इंपॉर्टेंट तो चीज तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है एप्सिसा नहीं मतलब एक्स एक्सिस अगर ले लोग तो जो ऑर्डिनेट है, है वो हमेशा जीरो होगा लेकिन वो जीरो होगा कब जब ओरिजिन होगा पर बाकी कुछ भी लोगे तो वन

तो वाई एक्सिस ये होती है ना वाई तो लिमिटेशन नहीं है यानि कि मैं अगर y की बात करूं, तो वो देखो यहां पे जैसे कि माइनस वन हो गया माइनस टू हो गया माइनस थ्री हो गया नीचे बात अरे सॉरी प्लस में ऊपर जाते हैं नीचे बात करूं तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव कुछ भी हो सकता है यानी कि ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है हां पर एब्सीसा की बात करूं तो एब्सीसा हमेशा क्या होगा जीरो होगा पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है यानी कि ऑर्डिनेट तो हमेशा कोई सा भी नंबर हो सकता है एनी नंबर हो सकता है इसीलिए अपन यहां पे डी ऑप्शन को टेक लगाएंगे चलिए तो 16th भी होता है खत्म अब 16th के बाद बात कर लेते हैं अपन 17th की यहां पे बोला गया है अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव यहां पे बोला गया है आपको ऐसा पॉइंट चाहिए जिसका एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव हो उसके लिए क्या करो आप यहां पे बनाओ, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाओ यहां देखो इधर x पॉजिटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y नेगेटिव तो यहां पे दोनों पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या चाहिए अभी हमें अभी चाहिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों दोनों के नेगेटिव यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसीलिए हम सी वाले ऑप्शन को यहां पे टिक लगा देंगे चलो सेवनटीन होता है खत्म इसके बाद अपन बात कर लेते हैं एटीन की यहां पे आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं आपको बताने हैं कि ये चारों के चारों पॉइंट कहां पे लाइक करेंगे चलिए देखते हैं जरा तो पहला पॉइंट है आपके पास टू कॉमा अगला पॉइंट है आपके पास थ्री कॉमा बहुत बढ़िया तीसरा पॉइंट है फोर कॉमा और चौथा पॉइंट है माइनस थ्री देखो जरा

लाइन वापस से बना लो फटाफट यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इस में पॉजिटिव पॉजिटिव इस बोला गया है आप तो वो जहाँ पे दोनों का हो. एक तो ये वाला है सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट है जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो सेकेंड एंड फोर्थ यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे टेक हो जाएगा चलो तो यहाँ पे नाइनटीन क्वेश्चन होता है खत्म अब बात कर लेते हैं अपन सवाल नंबर बीस की यहां पे बोला गया है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन अगर आपके पास एक पॉइंट है तो उसका एब्सिसा कब कब पॉजिटिव होगा तो ऐसा करो ना पहले बना लो तो यहां पे अगर देखोगे तो पॉजिटिव यहां पे positive, यहां पे negative, यहां पे पॉजिटिव यहां यहां नेगेटिव नेगेटिव तो इधर बनाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर बनाओगे तो नेगेटिव पॉजिटिव इधर बनाओगे तो नेगेटिव नेगेटिव और इधर बनाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको एब्सिसा हमेशा क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए एब्सिसा होता है आगे

नहीं, A हो गया सॉरी फॉर क्या है? फोर तो यहाँ पे आपका थ्री हो गया वाई क्या हो गया फोर हो, हो, हो गया तो एक्स बराबर थ्री का मतलब क्या है? ऐसी लाइन बना दो वाई बराबर फोर का मतलब लाइन क्या बना दो जहां पर इंटरसेक्ट करे पॉइंट बी लिख दो और वो हो गया थ्री फोर अब ऐसा करो ये जो लाइने बनी है सॉरी फॉर दिस जो लाइने बनी है उनको आप ऐसे हटा लीजिए आपके पास पॉइंट थ्री कॉमा फोर बन चुका है और लास्ट पॉइंट है जीरो का मतलब है वो एक्सिस पे करेगा और उसका कोऑर्डिनेट होगा बस अब आपको क्या करना है ये जितने पॉइंट्स आपने बनाए हैं ना इन सारे पॉइंट को फटाफट जोड़ दीजिए तो चलो काले पेन से जोड़ते हैं अपन अपन ने इसको जोड़ दिया ऐसे ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया ऐसे जोड़ दिया और ऐसे जोड़ दिया अब उन्होंने बोला है कि ये जो फिगर आपने यहाँ पे बनाया है ये फिगर

में अब इमेज निकालने का मतलब क्या है मैं जरा वो समझा देता हूं मान लीजिए पहले तो आपको बनाना पड़ेगा बना लेते हैं यहाँ पे थोड़े लिखते एक्स वन है यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे पे है 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 और यहाँ पे और लिख देते हैं वन, फोर। पहले इस पॉइंट को

जहां पे इंटरसेक्ट किए यानी कि ये पॉइंट ये पॉइंट हो चुका है आपके पास 3.4। अभी ये जो लाइनें बनाई है ना इन लाइनों को आप हटा दीजिए अब हमें चाहिए इमेज तो इमेज हमको चाहिए एक्स एक्सिस में इसका मतलब क्या करना है आपको एक्स एक्सिस को मिरर मानना है किसको मिरर मानना है आपको अपने एक्स एक्सिस को मिरर मान लेना है तो आपने एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर कर लिया चलो

इतना ही याद रखना। जब x एक्सिस इमेज निकालोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा चेंज चेंज होगा होगा? उसका y कोऑर्डिनेट और चेंज भी कैसे होगा? पहले वो वो पॉजिटिव का का था, तो तो अभी नेगेटिव हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में 3, -4 है, तो आप B वाले को यहां पर आप तो 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 आपको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है चलो सवाल नंबर बाईस हो चुका है खत्म अब बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 23 की तो 23 में आपको क्या निकालना है इस पॉइंट का इमेज निकालना है किसमें निकालना है इस बार वाई एक्सिस में निकालना है तरीका सुनिए देखिए जब जिस एक्सिस में इमेज निकालते हो तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज मत करना जैसे कि इस क्वेश्चन में जब आपने इमेज निकाला तो आपने थ्री का इमेज निकाला भैया थ्री का इमेज आपने किसमें निकाला आपने एक्स एक्सिस में निकाला ना तो क्या उसका एक्स कॉर्डिनेट चेंज हुआ था नहीं उसका एक्स कॉर्डिनेट थ्री रहा था

किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कौन चेंज नहीं होगा भैया आपका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा पहले सेवन है अभी भी सेवन रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट जो है वो बदल जाएगा और कैसे बदलेगा पहले माइनस फाइव है तो अब क्या बन जाएगा अब वो माइनस फाइव की जगह बन जाएगा प्लस फाइव इतना ही चेंज आपको करना है आपको रिवर्स कर देना है लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा यहां पर क्योंकि आपने एक्स एक्सिस में निकाला था तो थ्री थ्री रहा था पर उसका जो वाई कोर्डिनेट है वो फोर से क्या बन था माइनस फोर बन गया था ना सेम चीज यहां, यहां पे आप इमेज वाई एक्सिस में निकाल रहे हो तो यहां पर उसका जो है, है वो अब अब बन जाएगा प्लस का 5। चलो तो सवाल 23 होता है अब बात कर लेते हैं अपन सवाल 24 की, यहां पे आपको बोला गया है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अट यूनिट एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन

जो पॉइंट P है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेना है तो x एक्सिस से लेना है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए पाँच. तो यहां पे आपके पास लंबी लाइन है x एक्सिस वाली इस x एक्सिस पे आपको एक पॉइंट लेना है इसके ऊपर कहीं एक पॉइंट लेना है जहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए पांच अब बात आती है कि सर एक्स एक्सिस इस साइड भी है एक्स एक्सिस इस साइड भी है

यहां पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या था तो मैं आपको डेफिनेशन याद दिलाता हूं वाई कोऑर्डिनेट का या ऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन ये दिया गया था कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वापस से लिख देता हूं इस बात को मैं कि अगर आप किसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा

माइनस फाइव भी हो सकता है तो अगर ऐसा माइनस फाइव उनको देना होता तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिख के दे देते कि उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट आपके एक्स एक्सिस के नीचे है और वहां से दूरी जो है -5 है पर क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं दिया है इसीलिए आप सिर्फ ऊपर वाला केस कंसीडर करोगे आप नीचे वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे इसीलिए कौन से ऑप्शन पे टिक लगा देंगे हम बी वाले ऑप्शन पे यहां पर चलो तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी होता है खत्म और इसके बाद बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला गया है इफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन एक्स एक्सिस इज पॉइंट क्यू देखो जरा यहां पर आपके पास कुछ पॉइंट

में आपका मिरर इमेज लेना है कैसे लोगे मिरर इमेज तो देखो जरा यहां पे y एक्सिस में मिरर इमेज ले रहे हो तो y एक्सिस में जब मिरर इमेज आप लोगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा तो जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा यानी कि y कोऑर्डिनेट तो एज इट इज आ जाएगा पर जो x कोऑर्डिनेट है वो रिवर्स हो जाएगा पहले x कोऑर्डिनेट 5 था तो अभी x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा तो आपके R पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो आ चुका है माइनस फाइव कॉमा माइनस टू तो कौन से ऑप्शन में तो मिरर इमेज तो लिया, लिया? लिया चलो तो ट्वेंटी होता है यहां पर खत्म और इसके बाद बारी आ जाती है आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में आपको बोला गया है एक पॉइंट है इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है ओरिजिन से तो डिस्टेंस हम ओरिजिन से निकाल लेंगे पर पहले क्या कर लेते हैं इस पॉइंट को हम लोकेट कर देते हैं हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन में दिखा देते हैं कि ये पॉइंट आखिर लाई कहां पे करता है तो अगर आप कोऑर्डिनेट प्लेन को बनाएंगे तो ये आपका एक्स हो गया ये आपके पास y हो गया ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है यहां पे 1 ये 2 ये 3 तो यहां कहीं आपके पास पॉइंट हो जाएगा ये हो गया 4 ये आपके पास हो गया 3 तो अगर मैं पॉइंट ध्यान से दिखाऊं तो ऐसा पॉइंट आपके पास आ जाएगा ये पॉइंट हो गया आपके पास पी फोर कॉमा थ्री तो आपको चाहिए इस पॉइंट की दूरी दूरी कहां से चाहिए origin से चाहिए तो ये है ओरिजिन ये, ये दूरी आपको निकालनी है कितनी होगी ये दूरी तो भैया चार होगी कोई दिक्कत की बात नहीं है इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है तीन है यानी कि ये दूरी कितनी है ये दूरी तीन है इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी ये वाली डिस्टेंस भी तो थ्री होगी ना ऑब्वियस वैसी बात है

इसमें सबसे बड़ा साइड कौन सा है ओपी है इसका मतलब ओपी का जो होल स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके बराबर होगा ये ए पी जो है ना उसके होल स्क्वायर के बराबर और इसमें सम करना पड़ेगा आपको ओ ए का होल स्क्वायर

तो आपके पास तीन पॉइंट दिए गए हैं और बोला जाता है कि इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया एक्चुअली कितना होगा तो ऐसा करते हैं पहले तो हम इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट करके हमारे ट्रायंगल को बना लेते हैं तो तीनों पॉइंट्स को लोकेट कैसे करेंगे हम सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा x एक्सिस यहां पे हम बना लेते हैं y एक्सिस अरे सॉरी ये आपका x हो गया ये आपके पास क्या हो गया y हो गया

देता हूं मैं और तो डायग्राम में ही आप देख सकते हो कि इतना टू है इतना सिक्स है तो डेफिनेटली जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी वो फोर होगी और कोई तो ऑप्शन है नहीं बस बेस निकल गया अब हाइट निकालनी है हाइट कैसे निकालोगे तो हाइट निकालना तो और सिंपल काम है यहां से आपको ऐसे गिराना है परपेंडिकुलर तो जब ऐसे परपेंडिकुलर गिराओगे तो ऑब्वियस सी बात है इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं याद दिलाता हूं क्या था 4, था तो क्योंकि एक्स कॉर्डिनेट फोर था तो ये तो ये फोर पे गिरेगा और यहां पे वाई कॉर्डिनेट कितना था सिक्स था यानी कि यह दूरी जो है आप कह सकते हैं कि सिक्स होगा अब डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान से देखो ये दूरी सिक्स है तो ये जो हाइट है यह एक्चुअली कितना होगा ये भी तो आपके पास सिक्स होगा पूरा डायग्राम में विजिबल

ये फोर मिलेगा ये फाइव मिलेगा ये सिक्स मिलेगा इधर वाई पे भी कर देते हैं, ये आपके पास वन हो जाएगा टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर हो जाएगा फाइव हो जाएगा एंड सिक्स हो जाएगा क्या क्या है? उनको करना पड़ेगा हमें तो ये जो पॉइंट है आपका जीरो आप अच्छा पी क्यू आर में बात हुई है तो इसका नाम आप पी दे दीजिए अगला पॉइंट है जीरो हो जाएगा तो इस पॉइंट का नाम आप क्यू दे दीजिए

से जोड़ दीजिए तो तीनों पॉइंट्स को मैंने ऐसे जोड़ दिया मेरा ट्रायंगल यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है तो बस अब मुझे चाहिए बेस और हाइट तो अगर मैं बेस की बात करूं तो ये जो दूरी है वो मेरे पास बेस हो जाएगी अब बेस निकालोगे कैसे यहाँ पे देखो ये वन है ये फाइव है तो वन और फाइव के बीच की दूरी कितनी फोर होती है यानी कि बेस जो है वो तो मेरे पास फोर आ जाएगा हाइट कैसे निकालूंगा तो हाइट के लिए आपको परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा तो यहां से हम क्या करेंगे ऐसे परपेंडिकुलर गिराएंगे अच्छा परपेंडिकुलर फोर पे ही क्यों आएगा क्योंकि वाई कॉर्डिनेट कितना है इसका वाई कॉर्डिनेट आपके पास फोर है बहुत बढ़िया अब क्या करोगे इसका डिस्टेंस आपको निकालना है कैसे निकालोगे ऐसा करो इसको यहां पर भी जब परपेंडिकुलर गिराओगे ना तो ये तीन पे गिरेगा क्यों तीन पे गिरेगा एक्स कॉर्डिनेट कितना है तीन है तो ये दूरी अगर

एंड डेफिनेटली आप जानते होंगे कि वीडियो प्ले होने के बाद आपसे कोई पैसे नहीं मांग लेंगे हम सारी चीजें फ्री हैं तो वीडियो भी फटाफट आपके सामने चलता जाएगा आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं इस तरीके से बिना किसी पैसे को दिए हुए और यही हमारे मैग्नेट ब्रीन्स का विजन है कि भैया पढ़ाई होनी चाहिए फ्री हंड्रेड फ्री एजुकेशन है बस आपको हमें सपोर्ट करना है कैसे करोगे तो हमारे वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो जितना हो सके वीडियो को शेयर करो फ्री एजुकेशन है बहुत दूर तक पहुंचनी चाहिए इसका जिम्मा आप पे भी आता है इसीलिए शेयर करना तो यहां पे बनता है और कहीं

में परेशान होने की जरूरत नहीं है बस आपको इन सारी चीजों को कहीं पे थोड़ा-थोड़ा लिख के चलना चाहिए था। लो थोड़े छोटे बनाने हैं नोट्स बन जाएंगे आपके पास सारी चीजें हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे so कि आपको इस वीडियो करी एंड कहीं पर कुछ भी टेंशन लगे कमेंट बॉक्स डालो आने वाली दूर करेंगे